गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा कि एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में बेटा रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी बात को हम पीरियोडिसिटी का नाम देंगे। जैसा कि आप इस डेफिनेशन के अंदर रीड आउट करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिसिटी? द रिपीटेशंस ऑफ द केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। ओके, तो बेटा पीरियोडिसिटी का मतलब रहेगा द रिपीटेशंस ऑफ द केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। अब यहाँ पे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, व्हाट इज़ द काज ऑफ द पीरियोडिसिटी, मीन्स इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? जिस बात को बेटा जी हमारी मेंडली पीरियोडिक टेबल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी, उस बात को बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। तो अब इस क्वेश्चन का बेटा हम आंसर देखते हैं, व्हाट इज़ द काज ऑफ द पीरियोडिसिटी। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल इज द लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम इज़ वेरी सिमिलर विद द सोडियम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम इज़ वेरी सिमिलर विद द पोटाशियम, मीन्स इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। तो बेटा आप देखोगे जैसे ही इसका शेल स्ट्रक्चर, आप इन तीनों एलिमेंट्स का शेल स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इस शेल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि लिथियम की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स लिथियम के लास्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इन द सिमिलर वे सोडियम के शेल स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो, इन द लास्ट शेल वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड इन द सिमिलर वे पोटाशियम के लास्ट शेल के अंदर भी बेटा वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो बेटा काज ऑफ द पीरियोडिसिटी यही है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स बेटा उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उन एलिमेंट्स की केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मैच करेंगी। ओके, तो आप इस रीज़न को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ड्यू टू हैविंग द सेम आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। तो बेटा वेरिएशंस का मतलब होता है चेंज होना, और आपने पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि पीरियड का मतलब क्या रहेगा। तो बेटा पीरियड में होता है व्हेन इलेक्ट एलिमेंट्स आर अरेंज इन द लेफ्ट टू राइट, मीन्स एलिमेंट्स का जो लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट होता है उसको बेटा हम पीरियड का नाम देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा, दिस इज द सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के अंदर आप देख रहे हो बेटा लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो जब भी हम बेटा इस सेकंड पीरियड के अंदर मूव करेंगे, मीन्स फ्रॉम लिथियम टू नियोन मूव करेंगे, तो साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो यही हमारा टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। तो बेटा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबसे सबसे पहले बेटा यहाँ पे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मीन्स इनका शेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। तो आप देख रहे हो बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इट मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन भी 3 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी 3 रहेंगे। तो मैंने बेटा इसका शेल स्ट्रक्चर बनाया, लिथियम के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन द सिमिलर वे सेकंड शेल के अंदर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब आप बेरिलियम का बेटा डॉट स्ट्रक्चर देखोगे, तो बेरिलियम के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल के अंदर बेटा फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलर वे इन द बोरोन केस, बोरोन के फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकंड शेल में बेटा जी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बेटा आप इस सिमिलर वे के अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट्स, मीन्स इस पूरे की पूरे पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। तो आप देख रहे हो जब भी हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं बेटा, शेल नंबर डज नॉट इंक्रीज,
शेल नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा। जब हम वन एलिमेंट्स टू नेक्स्ट एलिमेंट मूव कर रहे हैं तो बेटा आप देख रहे हो इस शेल के अंदर मीन सेकंड शेल के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे इस सेकंड शेल के अंदर बेटा टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे बेटा सेकंड शेल के अंदर बेटा थ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन द सिमिलर वे आप देखोगे बेटा इन द एंड ऑफ द पीरियड सेकंड शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हो बेटा जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन की एडिशन उसी सेम शेल के अंदर होती है। ओके, तो बेटा जैसे जैसे हमने पीरियड के अंदर मूव किया इलेक्ट्रॉन एडिशन टेकिंग प्लेस इन द सेम शेल। ओके, और ऐसे ही बेटा पैरेलल आप देखोगे इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जैसे ही हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन थ्री थे, और ऐसे ऐसे करते बेटा जी प्रोटॉन की काउंटिंग भी इंक्रीज हो रही है। मीन्स हमने दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, जब हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे बेटा जी प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, और इसी प्रोटॉन्स को बेटा हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ओके जी, ध्यान रखना बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है बेटा द चार्ज ऑब्टेन बाय द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस बेटा चार्ज को ऑब्टेन करता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और ये बड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा हमेशा प्रोटॉन्स के कारण जनरेट होता है। ओके जी, अब बेटा ध्यान रखना है, तो आपने अभी तक बात ऑब्जर्व की जब हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एडिशन टेकिंग प्लेस इन द सेम शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज्ड। अब बेटा ध्यान रखना है जब हम पीरियड के अंदर मूव किए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन एडिशन टेकिंग प्लेस इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन की एडिशन सेम शेल में होने के कारण इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर। ध्यान रखना बेटा इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन की एडिशन सेम शेल में होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन देनी शुरू कर देते हैं। ओके, तो जिस कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डोमिनेट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा डोमिनेट कर जाएगा और न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अट्रैक्ट करने के कारण बेटा जी जब भी आप किसी भी पीरियड के अंदर मूव किया करोगे तो बेटा जी साइज हमेशा ही डिक्रीज कर जाया करेगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा बेटा। तो इस डेफिनेशन को बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ऑन मूविंग इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एडिशन टेकिंग प्लेस इन द सेम शेल। ओके, देयर फॉर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर एंड हैंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज एंड साइज विल बी डिक्रीज। ओके, तो बेटा यहाँ पे मैंने फाइनली फिर एलिमेंट्स को बेटा इन इन द ट्रेंड ऑफ द साइज में अरेंज किया है, तो आप देख सकते हो बेटा लिथियम का साइज बेरिलियम के कंपैरिजन में बड़ा है, और इन द सिमिलर वे बेरिलियम हैविंग द लार्जर साइज एज कंपेयर टू बोरॉन, और यहाँ पे बेटा मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।